विश्वास होता है कि उसका नाम लेने मात्र से ही रोगों में रक्त की रफ्तार तेज हो जाया करती है। मेरा अगर विश्वास सही हो तो चार पंक्तों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, आपका भी प्रणाम हो पंक्ति में निवेदित करता हूँ। इलावा जैसी कह गई रवानी को प्रणाम है, लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, आसमान पर लिखी कहानी 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 को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है। आपने समर्थन किया, आपने तालियां बजाएं। लेकिन अभी जब इस कवि सम्मेलन का प्रारंभिक संचालन अरविंद दादा श्रीवास्तव दादा कर रहे थे, उन्होंने एक विषय को उठाया था, एक बात कही थी, मैं वहीं से अपनी बात एक जोड़ना चाहता हूँ। बड़े शर्म की बात है कि इस हिंदुस्तान में आईएएस और पीसीएस की मानक परीक्षाओं की किताब में हमको यह समझाया जाता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादी लिख दिया जाता है। उसके बाद में इस देश में एक प्रश्न उठाया जाता है, आईएएस पीसीएस जैसी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से क्या समझते हैं। ये साहब हम हिंदुस्तान में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उससे बड़ी शर्म की बात यह थी कि उन प्रश्नों के उत्तर तक हिंदुस्तान में लिख दिए गए कि हम चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से ये समझते हैं। साहब बहुत से लोगों ने इस देश में टिप्पणियां की, आप सबकी चेतना शक्ति आमंत्रित करता हूं। बहुत से लोगों ने इस देश में टिप्पणियां की, उन्होंने कहा कि गांधी के चित्रों को इस देश में हजारों हजार के नोटों पर छापा, लेकिन कभी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद कृष्ण सतपाल उदला खां जैसे क्रांतिकारियों के चित्रों को इस देश ने 10 के सिक्कों में भी स्थान नहीं दिया। लेकिन उस टिप्पणी पर मैं श्याम त्रिवेदी पंकज अपनी टिप्पणी जोड़ता हूँ और ये बात कहता हूँ कि हो सकता है गांधी के चित्रों को इस देश में हजारों हजार के नोटों पर छापा हो, लेकिन जिन भगत सिंह चंद्रशेखर लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को इस देश में आतंकवादी कहा जाएगा तब एक मांग श्याम त्रिवेदी पंकज रखता है, और अगर इस मांग का समर्थन हो तो आगे से लेकर के पीछे तक दोनों हाथ उठा करके इस मांग का समर्थन कर दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, मांग आपके सामने रखता हूँ कि वीर मां को रोको यहाँ आतंकी कहा गया, वीर मां को रोको यहाँ आतंकी कहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया, 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए, 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए, आजादी का श्रेय अहिंसा के नाम कीजिए, आजादी का श्रेय अहिंसा के नाम कीजिए, नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटो में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटो में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटो में, किंतु वह लघु का भी हक मानता हूँ मैं, किंतु वह लघु का भी हक मानता हूँ मैं, खून से गुलाब की महक मानता हूँ मैं, शहादत का चुपता वो कर जा तो कीजिए, उनको शहीद वाला डर जा तो दीजिए। बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ता है कि जिन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद इस देश को चढ़ा दी, वो देश आज उनको आतंकवादी कहने पर अड़ा हुआ है, और आज भी संविधान में हमने उनको शहीद होने का दर्जा तक नहीं दिला पाए साहब के, और हमसे कहा गया इस देश में परिवर्तन करिए, इस देश में ये हो जाएगा, इस देश में परिवर्तन करिए। कुछ बातें राजनीति से भी उठाना चाहता हूँ, इस देश में ये हो जाएगा, इस देश के सामने एक जिम्मेदारी रखी गई, इस देश की दिल्ली के सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। दिल्ली की सत्ता की परिवर्तन करने के लिए देश की जनता आगे आई, उन्होंने इस दिल्ली को मोदी की सरकार दी, उसके बाद जिम्मेदारी इस प्रदेश पर आई, प्रदेश की जनता फिर खड़ी हुई, कुछ लोग फिर खड़े हुए, उन्होंने इस प्रदेश को योगी की सरकार दी। लेकिन अब एक प्रश्न उन लोगों के सामने करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस देश को मोदी की सरकार दी, जिन लोगों ने इस प्रदेश को योगी की सरकार दी, जिम्मेदारी के साथ मेरी बात सुन लीजिएगा, वरना इसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ जाएंगे। तब पंक्तियां कहना चाहता हूं कि 2 सरकारें आपने दी और 1 सरकार आपसे हिंदुस्तान की जनता और मांग रही है, अगर ये सरकार की मांग अगर सही हो तो इस मांग के समर्थन में आपकी आवाज उठते देखना चाहता हूं। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बढ़ते चले कदम बोलो वंदे मातरम, बढ़ते चले कदम बोलो वंदे मातरम, रक्त देश धर्म की सवार होनी चाहिए, बढ़ते चले कदम बोलो वंदे मातरम, रक्त देश धर्म की सवार होनी चाहिए, गौ गंगा गायत्री गीता वाली संस्कृति को कहीं कोई ठेस ना दरार होनी चाहिए, अरे मोदी जी की बन गई योगी जी की बन गई, अब नहीं कोई तकरार होनी चाहिए, तंबू
इस बार राम की सरकार बने। राम बैठ जाए मंदिर में, इस बार राम की सरकार होनी चाहिए। और साहब जिन्होंने इस देश का नमक खाया, जिनकी इस माटी में पुष्पित और पल्लवित होकर के जिन्होंने अपने जवानी के लोथड़े बढ़ाए, उन लोगों ने जाकर के जेल में जाकर के मां भारती का अपमान किया, इस देश में मां भारती को अपमानित किया, तरह तरह की बातें उठाई और जाने कौन कौन से नारे लगा दिए गए। समझ में नहीं आता है कि कैसे वो इस देश के सपूत हो जाते हैं। अगर किसी में हिम्मत नहीं है, चार पंक्तियां शाम कर दी, ऐसे नीच लोगों को समर्पित करता है। और बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मां भारती का अपमान किया, इस देश का नमक खा करके इस देश के हाथ में नमक हरामी की, वो इस देश का अपने आप को बताने लगे, तब शाम देवी पंकज चार पंक्तियां उनको समर्पित करता है कि आग आग उगलता हो दिन तो हर वक्त सांझ हो अच्छा है, आग आग उगलता हो दिन तो हर वक्त सांझ हो अच्छा है, बेसुरी बांसुरी के आगे झुंझुना झांझ हो अच्छा है, अरे कर्णधार ही निकल पड़े जब वतन चलाने की खातिर, ऐसी औलादों से ज्यादा कोक पांच हो अच्छा। कर्णधार ही निकल पड़े जब वतन चलाने की खातिर, ऐसी औलादों से ज्यादा कोख बांध हो अच्छा है। लेकिन साहब मैंने आपसे पहले कहा था, मैं किसी भी तुम लोग किसी ने अगर किसी का समर्थन किया है तो अपनी कविता में सिर्फ राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। हम जब हेमराज जैसे सैनिक का इस देश में सरकार किया गया, हमने उस बात का विरोध किया था। लेकिन उसके बाद में आज भी संदीप सिंह कुबाड़ा सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत सारी बातें हुई इस देश में, लेकिन उसी सर्जिकल स्ट्राइक का हीरो लांस नायक संदीप सिंह कुपवाड़ा का शीश, उसको संदीप सिंह कुपवाड़ा को इसी कुछ आतंकवादियों द्वारा गोली मार के इसी हिंदुस्तान में जब हत्या कर दी जाती है, जब उसकी शहादत हो जाती है, तब ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हमारे ऊपर भी होती है। एक सैनिक जिसको पकड़ कर जिसको पाकिस्तान पकड़ लेता है, मैं दो मिनट के लिए आप सबकी चेतना शक्ति आमंत्रित करता हूं और बात कहता हूं कि एक सैनिक जिसको पाकिस्तान अपनी गिरफ्त में ले लेता है, पाकिस्तान अपनी गिरफ्त में लेने के बाद उसकी आंखें तक निकाल लेता है, शरीर के अंग अंग को हारियों से काट दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकारों में इतना भी क्षमता नहीं बची कि हम दो शब्द उसके विरोध में कह पाते, लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेलने चली जाती साहब। लेकिन अगर कवि नहीं बोलेगा, अगर कलमकार नहीं बोलेगा, तब चार पंक्तियां यहाँ पर आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ, क्योंकि श्याम सुंदरी पंकज ने कहने की हिम्मत दी तब उनका चिंतन करता हूँ कि अगर हम भी मौन हो गए तो एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा, एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा, ऊसर में बीज फल है जथा कौन कहेगा, एकलव्य कर्ण वाली कथा कौन कहेगा, ऊसर में बीज फल है जथा कौन कहेगा, अरे कविता भी चूमने लगे दरबारों के तलवे तो भारत में भारती की व्यथा कौन कहेगा, कविता भी चूमने लगे दरबारों के तलवे तो भारत में भारती की व्यथा कौन कहेगा। और जब चार पंक्तियां और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, और ये क्षमता तब मिलती है जब आप लोगों का तालियों का समर्थन मिलता है, संबल मिलता है। बहुत से लोगों को टिप्पणी हम लोग कर देते हैं, राजनीतिक विषयों पर बोल देते हैं, लेकिन अगर चांद को अपनी चांदनी रात का घमंड हो जाए और वो जुगनू की क्षमता को कमतर रखने लगे, तो छोटे से जुगनू का जवाब सुनेगा उस समुद्री चांद को, जवाब समझ में आ जाए तो पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ कि चांद बोल चाहे जुगनू बोलता है, जवाब देता है समुद्री चांद को कि माना चंदा की छवि पर मैं क्षण भी बोल नहीं सकता, माना माना चंदा की छवि पर मैं क्षण भी बोल नहीं सकता, धवल चांदनी की सत्ता को जुगनू तौल नहीं सकता, धवल चांदनी की सत्ता को जुगनू तौल नहीं सकता, लुटा रहा रातों पर चांदी छत्र राज्य तेरा ही है, अंधकार के ओर छोर तक साम्राज्य तेरा ही है, पर इतना जो मनमाता चमचम चमकीली रातों पर तेरा पूरा आकर्षण है सूरज की खैरातों पर, तेरा तेरा पूरा आकर्षण है सूरज की खैरातों पर, अरे तू तू तम पर तलवार उठाता अपना काम कटारी का, मेरा टिमटिम का प्रकाश पर है अपनी खुददारी का, मेरा टिमटिम का प्रकाश पर है अपनी खुददारी का, अपना अपना लहू बहाकर जलता यूं बेबोल नहीं होता, और खुददारी के आगे खैरातों का मोल नहीं होता, जुल्म का यदि और अफसाना हुआ, कोई बिस्मिल और भगत सिंह फिर से दीवाना हुआ, कोई बिस्मिल और भगत सिंह फिर से दीवाना हुआ, अरे चंद्रशेखर की झलक जिस दिन हमें दिख जाएगी, एक पिस्टल में तुम्हारी सल्तनत मिट जाएगी।
संकल्पित वसुधा कुछ जीवन है यूं संकल्पित दुष्टों पर प्रलयंकारी है कुछ जीवन है यूं संकल्पित दुष्टों पर प्रलयंकारी है अस्थियां दान कर कुछ दधीच वसुधा रक्षा व्रतधारी है अस्थियां दान कर कुछ दधीच वसुधा रक्षा व्रतधारी है कुछ अरीछा बिना टोकों पर है रण में आर पार जैसी कुछ प्रकृति तनी रही हरदम सागर में उठे ज्वार जैसी रावण कंचों के वंशों का कितना मर्दन कर चुके यहाँ पग जाने कितने जो काली फण पर नर्तन कर चुके यहाँ पग जाने कितने जो काली फण पर नर्तन कर चुके यहाँ कुछ हवन भारती का करने संविधान में देह स्वयं देकर कुछ जल में हस्त लकीरों में भारत का मानचित्र लेकर वो नख से शिख तक भारत का अभिमान दिखाई देते हैं चित्र पड़े सम्मुख तो हिंदुस्तान दिखाई देते हैं चित्र पड़े सम्मुख तो हिंदुस्तान दिखाई देते हैं उनके मृत शरीर का दर्शन तीर्थ गंगा होता है अरे उन्हीं सर फिरे दीवानों का कफन तिरंगा होता है उन्हीं सर फिरे दीवानों का कफन तिरंगा होता है उन्हीं सर फिरे दीवानों का कफन तिरंगा होता है आइए एक कविता आप लोगों के बीच में समर्पित करता हूँ और कुछ अगर अच्छा लिख लिया हो तो विद्वान लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ एक बात कविता के विद्वान साहित्य के वर्मा के लोग यहाँ बैठे हैं आजकल कवि सम्मेलनों के मंचों से छंद के नाम पर केवल घनाक्षरी और सवैया में ही छंद को सीमित कर दिया जाता है पंचचामर छंद एक ऐसी साहित्य की पुरानी विधा जिन लोगों को रावण विरचित वो शिव जी की स्तुति में जटा कवि गलत जले प्रवाह पवित्र स्थले उस छंद की परंपरा का निर्वहन श्याम त्रिवेदी पंकज ने वो परंपरा आगे बढ़ी श्याम नारायण पांडे तक आई और जयशंकर प्रसाद तक आई मैथिली शरण गुप्त तक आई उसके बाद पंचचावर लिखना मित्रों ने बंद कर दिया कवियों ने कम कर दिया लेकिन उस परंपरा का बड़ी शिद्दत से निर्वहन आदरणीय श्याम त्रिवेदी पंकज ने किया सांस्कृतिकता की कसौटी में अगर उनकी कविता पुष्ट लगे भाव पक्ष की दृष्टि से आप सबको उनकी कविता अच्छी लगे तो पूरा सदन तालियां बजा करके हरदोई के इस विद्वान रचनाकार को अपना आशीर्वाद देगा एक बार मेरे अनुरोध पर उस कविता के स्वागत में आप सबकी तालियां आ जाए और मैं श्याम त्रिवेदी पंकज का अनुरोध करूंगा मेरा अपना ये मानना है कुछ अच्छा लिख लेना कुछ बड़ी बात नहीं होती लेकिन कुछ अच्छा लिख करके पढ़ने की हिम्मत जुटा पाना उस पे आपका समर्थन जुटा पाना ये बड़ी बात होती है लेकिन मुझे लगता है कि विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए मेरी बात को समझ लेंगे मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ और कविता की भूमिका प्रारंभ करता हूँ यहाँ से कि एक बार माँ भारती ने देश के सपूतों से एक प्रश्न किया आप सबकी चेतना शक्ति मानता हूँ तालियां बजाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है लेकिन बस मेरी कविता को आप ध्यान से सुन लेंगे मुझको अच्छा लग जाएगा एक बार माँ भारती ने देश के सपूतों से एक प्रश्न पूछ लिया प्रश्न था मेरे बेटे मेरे लाल मेरे सपूत जब इस देश पर विपत्ति आएंगी तो आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं चार पंक्तियों में माँ भारती का प्रश्न सुनिएगा और अगली पंक्तियों में देश के सपूतों का जवाब भी सुन लीजिएगा पंक्तियां निवेदित करता हूं जला रहे हरा भरा स्वदेश आन बान का जला रहे हरा भरा स्वदेश आन बान का आंधियां बुझा रही एक बार पूरा सदन आशीर्वाद की तालियां दे देना हिम्मत जुटाना थोड़ा माँ का प्रश्न और देश के सपूतों का जवाब जला रहे हरा भरा स्वदेश आन बान का आंधियां बुझा रहे अखंड दीप शान का सशक्त है अनेक द्रोह वंश लाल भारती सशक्त है अनेक द्रोह वंश लाल भारती अनेक त्राही त्राही है वसुंधरा पुकारती तो सपूत बाहु दंड रोम रोम डोलने लगे लहू उफान में चढ़ा जवान बोलने लगे कि चंडिका अनेक शीश गुंथ कंठ हार में प्रसून प्राण ले खड़ी जवानियां कतार में दहाड़ सिंह यूं रहे कि भेरियां बजी रही सदैव देह से कपालिका सजी रही जला सकी ना जो मशाल वो मशाल क्या मिटे न शत्रु वंश लाल रक्त में उबाल क्या अरे टिके नहीं रहा ना अंश वंश द्रोह शक्ति का अनेक बार दे चुके प्रमाण राष्ट्र भक्ति का घटनाक्रम को आगे प्रस्तुत करता हूँ कविता की कुछ पंक्तियों को छोटा करता हूँ और यहाँ से प्रारंभ करता हूँ जब युद्ध चल रहा था तो एक 16 वर्षीय जवान उसकी निगाह एक चोटी पर जाती है और उसके मन में एक संकल्प आ जाता है एक मन में भाव आ जाता है क्यों ना इस चोटी के ऊपर चढ़कर तिरंगा झंडा गाड़ दिया जाए वो 16 वर्षीय
जवान एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में शस्त्र लेकर के किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, पंक्तियां निर्देश करता हूँ। आगे का घटनाक्रम आपको समर्पित करता हूँ कि जवान एक चोटियां चढ़ा तिरंग गाड़ ले, जवान एक चोटियां चढ़ा तिरंग गाड़ ले, विनाश के कुटुंब को स्वयं चला उखाड़ ले, वही शिकार सिंह का सियाल सोचने लगे, दिमाग भीर को कई विचार पहुंचने लगे, कहानियां पढ़ी अकूत काल के गुरु हुए, फंसा पुनः सप्रेम पात्र पुत्र चक्रव्यूह में, विराट वक्षतान शक्त सामने खड़ा दिखा, सपूत देश की ध्वजा लिए वही अड़ा दिखा, असंख्य गिद्ध दृष्टि एक लाल को निहारती, नकेल डालने खड़ा स्वयं सपूत भारती, अरे वसुंधरा कहे भभूत देश की उड़ेल के, बढ़े चलो वधीर को वंश ठेल ठेल के, विपत्तियां खड़ी परंतु पैर ये रुके नहीं, बढ़ो सपूत लक्ष्य को तिरंग ये झुके नहीं, बढ़ो सपूत लक्ष्य को तिरंग ये झुके नहीं, मसान शस्त्र श्यामला विचार को उछाल दो, विषाक्त रक्त है जहां नसे नसे उखाड़ दो, विषाक्त रक्त है जहां नसे नसे उखाड़ दो। जब मां भारती का आशीर्वाद मिलता है तो ये पूरी प्रकृति उसको आशीर्वाद देने लगती है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि विषाक्त रक्त है जहां नसे नसे उखाड़ दो, सपूत काल के कराल द्वार खोलने लगा, सपूत काल के कराल द्वार खोलने लगा, समीर दुंद भी मृदंग घोष बोलने लगा, छटा गुलाब की लहू लहू पुकार गा रही, नदी निनाद से असंख्य भेरियां बजा रही, सहायता करो त्रिदेव काव्य साधना करूं, निहार व्योम एक लिंग की उपासना करूं, अरे समीप शत्रु देख नेत्र लाल लाल हो गए, कराल भाव खून में कई उबाल हो गए, गुलाम हिंद का विचार बात ये नकार दी, तिरंग बांध पीठ सिंह ने दहाड़ मार दी, तिरंग बांध पीठ सिंह ने दहाड़ मार दी। और जब अकेला जवान उस सैनिक की टुकड़ी के ऊपर अकेला टूट पड़ता है, उत्तर से समर्पित करता हूँ, आगे का घटनाक्रम आपको समर्पित करता हूँ कि क्या किया उस जवान ने अकेले उस पूरी सैनिक की टुकड़ी के ऊपर, कि सपूत हाथ में थमी कटार झूम नाचती, सपूत हाथ में थमी कटार झूम नाचती, मिटे अधर्म देश से अनेक मंत्र वाचती, बढ़ा जवान मृत्यु का प्रसाद बांटने लगा, अड़ा समक्ष जो कपाल धूल चाटने लगा, गिरीज हाथ पाण वक्ष फाड़ती चली गई, कहीं असंख्य शीश ही उतारती चली गई, उलूक गिद्ध की कतार बैठ भोज खा रही, कहीं फुहार रक्त की पिशाचनी नहा रही, कपाल का कपाल छाट छाट पीनने लगी, अनेक बार रक्त चाट चाट झूमने लगी, अरे एक ओर सैन्य शक्ति को चढ़ा गुमान था, तो एक ओर भारतीय स्वदेश स्वाभिमान, एक ओर सैन्य शक्ति को चढ़ा गुमान था, तो एक ओर भारतीय स्वदेश स्वाभिमान था। और साहब अकेला जवान पूरी सैनिक की टुकड़ी के साथ युद्ध करता है, शरीर से रक्त का रिसाव प्रारंभ हो जाता है, उसका शरीर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसका हौसला कमजोर नहीं पड़ता है, वो हाथ में तिरंगे झंडे को लेकर के फिर भी बढ़ रहा है। और एक बात आप लोगों के बीच में और कहना देना चाहता हूँ कि साहब ये मरने मारने और शहादतों की बातें करना बहुत आसान होता है, सुन लेना भी बहुत आसान होता है, लेकिन एक शहादत हो जाने में इस देश के लिए मरने मिटने के पीछे जब एक माँ अपना नहीं भरा आंचल और एक पत्नी अपने मांग का सिंदूर इस देश पर कुर्बान करने के लिए अड़ जाती है, तब एक सैनिक इस देश पर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है साहब, ये कह देना और आपका सुन लेना। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि सपूत ये ओर सैन्य शक्ति को चढ़ा गुमान था, तो एक ओर भारतीय स्वदेश स्वाभिमान था, लेकिन उसके बाद में घिसकता हुआ वो जवान हाथ में तिरंगे को लेकर जिस प्रकार चोटी के ऊपर आगे बढ़ता है, लेकिन घटनाक्रम यहीं से एक मोड़ और ले लेता है, कुछ सैनिकों की टोली उसके सामने फिर खड़ी हो जाती है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आगे का घटनाक्रम आपको समर्पित करता हूँ कि एक ओर सैन्य शक्ति को चढ़ा गुमान था, तो एक ओर भारतीय स्वदेश स्वाभिमान था, परंतु द्रोह की छटा पुनः अनंत छा गई, जवान एक था असंख्य शक्ति फौज आ गई, जवान एक था असंख्य शक्ति फौज आ गई, लहू लुहान था सपूत किंतु खेलने लगा, लहू लुहान था सपूत किंतु खेलने लगा, हजार बार शस्त्र के शरीर झेलने लगा, बिगा नहीं जवान दंभ के किले गिरा रहा, स्वदेश मान बान शान में लहू बहा रहा, अरे अधर्म पाप शक्ति के दिमाग में सवार थे कि एक एक अंग नोचते कई शियार थे, प्रवृत्ति दोगली दिखी कटार झूम अड़ा दिया, टिके नहीं समक्ष पीठ में छुरा गड़ा दिया, टिके नहीं समक्ष
पीठ में छुड़ा गड़ा दिया, अनंत वेव में अनंत लालिमा बिछा गया, हुआ अचेत वीर, आंख अंधकार छा गया, अरे थका शरीर रक्त के रिसाव ने गिरा दिया। वसुंधरा उठी सपूत वक्ष से लगा लिया, वसुंधरा उठी सपूत वक्ष से लगा लिया, और माँ वसुंधरा की गोद में जब वो अंतिम सांसें ले रहा था तो साहब इस देश का नौजवान भी हो सकता है। वो अपनी जो अंतिम सांसें ले रहा था तो माँ से एक वरदान मांगता है, अपने इष्ट को याद करता है, एक वरदान मांगता है साहब। वो वरदान क्या होता है तुम क्या निर्दित करता हूँ, और अगर आपको लगे कि इस देश के पानी में कहीं दम है कहीं तेवर है तो आशीर्वाद दीजिएगा, तुम क्या निर्दित करता हूँ कि परंतु सोचता हूं अधीर यज्ञ गे पूर्ण है, परंतु उसने कहा कि आशीर्वाद मांगो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या इच्छा है, क्या वर मांगना है। तब वह वर क्या मांगता है पंक्ति निवेदित करता हूं कि परंतु सोचता अधीर यज्ञ गे पूर्ण है, परंतु सोचता अधीर यज्ञ गे पूर्ण है, चढ़ा न चोटियां तिरंग कामना अपूर्ण है, चढ़ा न चोटियां तिरंग कामना अपूर्ण है, जवान मांगता त्रिलोकनाथ झोलियां भरो, दया निधान सृष्टि के दया करो दया करो, अरे न चाह मोक्ष की न चाह स्वर्ग में तू ठौर दे, तिरंग गाड़ दूत देव चंद श्वास गौर दे, तिरंग गाड़ दूत देव चंद श्वास गौर दे। और माँ भारती का आशीर्वाद मिलता है तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, वो जवान क्या कमाल करता है, और चार पंक्तियां को समर्पित करता हूँ, जवान कमाल क्या करता है, पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि परंतु सोचता अधीर यज्ञ गे पूर्ण है, चढ़ा न चोटियां तिरंग कामना अपूर्ण है, जवान मांगता त्रिलोकनाथ झोलियां भरो, दया निधान सृष्टि के दया करो न चाह मोक्ष की न चाह स्वर्ग में तू ठौर दे, तिरंग गाड़ दूत देव चंद श्वास गौर दे, अरे सशक्त हो उठा शरीर देश प्रेम से पगा, सशक्त हो उठा शरीर देश प्रेम से पगा, विनाश सर्वनाश आज हिंद का लहू जगा, अरे कृपाण को निकाल काट काट शत्रु बोटियां, उखाड़ द्रोह की जड़े चढ़ा जवान चोटियां, करार काल नाथ के नकेल को फंसा दिया, तिरंग शैल के विराट वक्ष में फंसा दिया, करार काल नाथ के नकेल को फंसा दिया, तिरंग शैल के विराट वक्ष में धसा दिया। और तब कविता के अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वो तिरंगा झंडा उस शैलराज की छाती पर गाड़ने के बाद में वो जवान माँ भारती की गोद में सदैव के लिए चरित्र में विलीन हो जाता है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आपने कभी किसी शहीद का पार्थिव शरीर देखा हो तो मेरी पंक्तियां सुनेगा, और ना देखा हो तो भी पंक्तियां सुनेगा, मैं बताता हूँ शहीद का पार्थिव शरीर दिखने में कैसा है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अचेत सा पड़ा शरीर द्रोह वंश ढेल के कि देश प्रेम की सुरा छपे हुए उड़े के, कि देश प्रेम की सुरा छपे हुए उड़े के, हुआ शहीद ले गया हिसाब रक्त उंग के, लगा सिंह सो रहा विराट नेत्र मूंद के, विभावरी उठी नहीं अनंत भोर हो गया, समीप वक्ष था परंतु ओर छोर खो गया, ज्वलंत चक्षुलाल देख लोग दंग दंग थे, कि भौम थी कमान या कि लोटते भुजंग थे, विशाल स्कंध यूं थे सुमेर के समान थे, ललाट यूं की कोटि कोटि सूर्य विद्यमान थे, उतारने लगा संयंत्र लोकनाथ आरती, शहीद भाल चूमने उठी महान भारती, हरा सफेद संतरी सपूतमा सजा गई, तिरंग ओढ़ रूप देख दुल्हने लजा गई, तिरंग ओढ़ रूप देख दुल्हने लजा गई। जय हिंद जय भारत।